बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। माहिरीन बेहतरीन सेहत के हसूल के लिए नाश्ते को लाजमी करार देते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नाश्ते में ऐसा क्या खाया जाए जो मज़ेदार भी हो और आपको सेहतमंद भी बनाए। अगर हम सिर्फ 3 असूल अपना लें तो हमें फ़ायदा मंद नाश्ता हासिल हो सकता है। इन 3 असूलों में से पहला तो ये है कि सोकर उठने के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो नाश्ता कर लें। एक तहकीक में ये इंकशाफ सामने आया है कि ऐसे अफराद जो जागने के 30 से 60 मिनट के अंदर नाश्ता कर लेते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। इसकी वजह ये है कि ऐसे अफराद का मेटाबॉलिज्म जल्द मुतहरिक हो जाता है, जिससे जिस्म को इस नाश्ते से हासिल की गई कैलोरीज को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाता है। दूसरा असूल यह है कि केले को अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करें। केले में मौजूद विटामिन जिनकी वजह से वज़न कम होता है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है और इसकी बदौलत जिस्म में फैट्स एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा नाश्ते के लिए ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें भरपूर प्रोटीन मौजूद हो। ऐसी ग़िज़ाओं में काबिले ज़िक्र अंडे और दही हैं और इन्हें खाने से इंसान को बार बार भूख का सामना नहीं करना पड़ता और यूँ इसका वज़न भी कंट्रोल में रहता है। और यही बेहतरीन नाश्ते का तीसरा और आखिरी असूल है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।